वही हम आज मज़ेदार रोल बनाने लगे हैं। ठीक है, ये मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं। ठीक है, और ये अब हम इसके ना छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में हम इसको काट रहे हैं। ठीक है, वेलकम टू माई यूट्यूब फैमिली। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ सब खैर से होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं डिफरेंट किस्म के आलू के रोल। ठीक है, और ये देखिए मैंने आलू को बॉईल कर लिया था। ठीक है, बॉईल करने के बाद मैंने ऐसे क्यूब्स की शक्ल में इसको काट लिया है। ठीक है, इसमें हमने हरी मिर्चें डालनी हैं। ठीक है, इसमें हमने प्याज डालना है, इसमें हमने मटर डालने हैं। ठीक है, और पकाया इंग्रीडियंट्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ठीक है, अब हमने पैन ले लिया, इसमें हम ऑयल डालेंगे और इसमें जीरे को लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। ठीक है, इसमें हमने ज़्यादा कुक नहीं करना चीज़ों को। रेसिपी में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि किसी चीज़ को भी ओवर कुक नहीं करना। ठीक है, हल्का सा शैलो फ्राई करना है और फिर सब कुछ इंशाल्लाह डन हो जाएगा। ठीक है, ये हमने डाल दिया ऑयल, अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। ठीक है, ज़ीरा डाल दिया, ये हमारा ज़ीरा ब्राउन हो चुका है। ठीक है, अब हम इस पर हरी मिर्चें हमने 5 से 6 डाल दी हैं। ठीक है, बिग बिग गोल गोल कटी हुई। ठीक है, बीज समेत है ये हरी मिर्चें। ठीक है, इस रेसिपी में ना रमज़ान में ना हमें ज़्यादा प्यास से लगेगी, इसमें हम डाल देंगे नमक। ठीक है, नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे मटर। ठीक है, मटर डाल देंगे हम। ठीक है, मटर डाल देंगे और इसको ना हमने कोई फिर लहसुन वगैरह का पेस्ट नहीं डालना। ठीक है, कोई हमने इसमें गरम मसाले वगैरह नहीं डालने क्योंकि बहुत लाइट वेट होता है ये, बहुत मज़े के होंगे ये। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे रेड चिली पाउडर। ठीक है, दादरी मिर्च डालेंगे पहले, फिर रेड चिली पाउडर डालेंगे। ठीक है, ये हमारी मिर्च है। ठीक है, ये हमने मिर्च इसमें डाल दी। ठीक है, मिर्चें कोई ज़्यादा नहीं है, आप ये ना समझेगा कि मिर्चें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ज़्यादा ऐड नहीं करनी क्योंकि मटरों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और मिर्चें ना ज़्यादा रखनी है ना कम रखनी है क्योंकि फिर जाहिर सी बात है ना मिर्चें कम भी इतनी नहीं खाई जाती और ज़्यादा भी इतनी नहीं खाई जाती रोज़ों में, तो मुनासिब रखनी है, तो मुनासिब हैं ये। ठीक है, इस पॉइंट पे प्याज शामिल करने के। ठीक है, प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना। ठीक है, ये हमने प्याज ऐड कर दिया और हम इसको मिक्स कर देंगे साथ ही। ठीक है, ठीक है, ये प्याज हो रहा है, 2 दफ़ा लाना है ताकि इसका क्रिस्पीपन ख़त्म ना हो। ठीक है, इस यहाँ पे हमने 1/2 चम्मच जो है गर्म मसाले का शामिल कर देना है। ठीक है, ओके, और 1 दफ़ा हमने और चम्मच चला देना क्योंकि प्याज बना जैसे कि आपको बताया बस 1 ही दफ़ा चम्मच मतलब हल्का सा चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना। ठीक है, आती है इसमें उबले हुए आलू शामिल करने की, फिर हमारा मटेरियल इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये हमने आलू डाल दिए उबले हुए कटे हुए। ठीक है, ठीक है, ये हमने डाल दिया, अब हम इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, ये हमारा समोसा मिक्सचर रेडी है। ठीक है, हम इसको मिक्सचर डाल देंगे, ठंडा होगा तो फिर हम इसको समोसे की पट्टी में डोर की पट्टी में कर करेंगे। आप समोसे की पट्टी में भी कर सकते हैं एवरीथिंग। ठीक है, ये मैं रोल बना चुकी हूँ। ठीक है, ये मैंने आटा मिक्स किया हुआ है। ठीक है, मैदा भी आप कर सकते हैं मिक्स, और ये देखें मिक्सचर थोड़ा सा रह गया, ये बकाया समोसे की पट्टी पड़ी है मेरे पास। ये मैंने कढ़ाई ली है। ठीक है, उसमें मैंने पानी ले लिया और नमक डाल दिया, मैं इसमें मैक्रोनी बॉयल करूँगी। ये दूसरी रेसिपी है रोल्स की, आप इसमें समोसे में भी भर सकते हैं, मेरे पास रोल की पट्टी आई थी इसलिए मैंने रोल ही बना लिए। तो अब ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे हैं ये, मज़े के हैं। ये मैक्रोनी बॉयल हो गई है। ठीक है, चिकन हमने ये निकाल के रखा है, इसके रेशे कर लिए। ठीक है, और ना अच्छा ये देखिए अब हमने कढ़ाई खाली कर ली है, अब हम इसको रखेंगे चूल्हे पर और बिस्मिल्लाह हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन, चिकन को हम करेंगे थोड़ा सा ब्राउन। ठीक है, ये रेशे हुए हुए चिकन है, इसको हमें थोड़ा सा करना है फ्राई। फ्राई करने के बाद आगे आप इसी जगह आपको बताती हूँ, थोड़ा सा
कि ये हम चम्मच इसका मिक्स करेंगे, थोड़ा सा चिकन को थोड़ा सा भूनेंगे, ठीक है। ये कढ़ाई के निशानों पे ना जाइएगा, क्योंकि मैंने इसे मैक्रोनी बॉयल की थी, तो मैं इसी में ही मतलब वो मिक्सर का कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 मिनट के लिए चिकन। अब हम इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी जौन सा है बंद गोभी की, ठीक है। ये हमारी ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद चोलता है, हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ज़रा सा, ठीक है, और इसको ढक के पकाएंगे। पानी डालेंगे, आधा को गिलास, और इसको ढक देंगे, इसको ढक के हल्की सी आंच पे पकाएंगे, ठीक है। 5-10 मिनट के लिए पकाएंगे, ठीक है, हल्की सी आंच कर देंगे, ठीक है। हमारी गोभी हो चुकी है, ठीक है, ठीक है, गोभी हो चुकी है हमारी, ठीक है। इसका पानी खुशक होने वाला है बस, ठीक है, पानी खुशक हो जाएगा तो फिर हम इसमें जो सा है दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। और ये काफ़ी यूनिक और मज़ेदार किस्म के समोसे होंगे, जो आपके मुंह से नहीं उतरेंगे, मैं कह रही हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा इसको खा के, ठीक है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसी बहाने प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो रहा है, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और ब्लैक पेपर, ठीक है, सॉल्ट और ब्लैक पेपर, नमक और काली मिर्च, ओके। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच, जो टी स्पून होता है वो नमक का, ठीक है, और 1 चम्मच भर के हम डाल देंगे ये चाय वाला ही टी स्पून काली मिर्च पाउडर, ठीक है, ड्राई पेपर, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे मैक्रोनी जो हमने बॉयल की थी, ठीक है, क्योंकि हमारा पानी कुछ हो चुका है, और अब हम इसका मैक्रोनी को डाल देंगे, इसको डाल देंगे, मैक्रोनी डाल देंगे, ठीक है। हमने मैक्रोनी ऐड कर दी है, ठीक है, अच्छी तरह इसको एक दूसरे के साथ मिक्स कर दें, ताकि जो मतलब सारा कुछ एक साथ मिक्स हो जाए, और काली मिर्च भी, नमक भी, सारा कुछ एक दूसरे में मिक्सअप हो जाए, ठीक है। मिक्सिंग अच्छी तरह निकल रही है, ये हमारा समोसा पट्टी के लिए मिक्सर तैयार है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे, ठीक है। मुझे मिर्चें थोड़ी सी कम लग रही है, मैं थोड़ी सी और डाल दूँगी, ठीक है।
वैसे नमक बिल्कुल ठीक है। और ये हम चूल्हा बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसमें समोसे में इसकी फिलिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से ऐसे कवर करेंगे, मैदे से करेंगे। ये रोल तैयार हो गए हैं, ठीक है। और ये जो ये मैंने ना कटलेट्स की कुछ गोल वाली शेप भेज दी है, मैंने कहा सैंडविच वगैरह में डालने के काम आ जाता है, ठीक है। और कुछ मैंने ये शेप दे दी है इस तरह की ना, मैंने कहा आपको फ्राई करके दिखा दूँ। तो ये मैंने फ्राई पैन पे ऑयल रख दिया था, मैंने कबाब डाल दिए थे। तो ये देख रहे हैं ब्रेड क्रम्स के कितना प्यारा इस पर कलर्स आया, ठीक है। और ये मैं अब डिश आउट करने लगी हूँ, प्लेट में निकाल कर सर्व करके आपको दिखाऊँगी कि किस तरह लगते हैं। और बहुत मतलब अच्छी खुशबू आ रही थी इसको फ्राई करते हुए, आप ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट्स में बताइएगा, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जो नए आने वाले मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं। अच्छा, ये कटलेट्स बहुत मज़े के बने थे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और क्या नाम है इसमें, मतलब मैंने आपको कोई ऐसा कोई स्पेशल नहीं बताया। इसमें मैंने आलू डाले थे, चिकन डाला था और अंडे डाले थे, ब्रेड क्रम्स भी डाला था मैंने इसमें। और ये मैंने बनाए थे तो काफ़ी टेस्टी बने थे, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा बने थे, ठीक है। और आप एक बार बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि बार बार बनाएं, ठीक है। और जब खाना ना बनाओ तो दिल करता है कैसी हल्की फुल्की चीज़ें हों। एक दफ़ा फिर से आपका रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपकी सारी मुरादें पूरे करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। खुदा हाफिज़।